नरसिंहपुर जिले में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भगवा ध्वज जलाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन करते हुए एसपी नरसिंहपुर को ज्ञापन सौंपा गया और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक राव उदय प्रताप ने प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि उपद्रवी लोगों को चिन्हित कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं हो सके। इस कार्यक्रम में जिले के संत बालक दास महाराज, कुंडल वाले महाराज और रघुनाथ दास महाराज के साथ साथ और भी कई लोग मौजूद रहे। करेली में जो एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा एक कुकृत्य किया गया है, भगवा हमारे हिंदुओं की मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसका अपमान हिंदू समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति होगी और इन कृत्यों को करने वालों के ऊपर अगर पुलिस के द्वारा, शासन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदुत्व की रक्षा के लिए सदैव सड़क पर आकर और अपना बदला अवश्य लेगा। दिखाते आ रहे हैं वही कृत्य उन्होंने दिखाया। सबके गले में, किसी के में सफेद और काला गमछा था, भगवा गमछा अलग से लाया गया और पहले से सुनियोजित तरीके से कुछ भगवा रंग को, जो हिंदू सभ्यता के सम्मान का प्रतीक है, जो हमारे संतों का सम्मान का प्रतीक है, उसको जलाया गया। कहीं न कहीं ये हिंदू समाज के लिए नीचा दिखाने की कोशिश है और हमारे धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के हिसाब से माननीय एसपी महोदय के पास आए थे। हम लोग सभी इतने लोग हैं जिनकी धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ है, अब आप उनके हिसाब आवश्यक कार्रवाई की थी। मैं एक पार्टी के द्वारा रैली निकाली गई, उसमें भगवा कलर का एक ध्वज जलाया गया, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं, जन आक्रोश है। हम लोग और भगवा जलाने वालों की गिरफ्तारी की मांग करने एसपी महोदय के पास आए और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता एवं एक युवा के मन में ये ज्वार उठा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि भगवा जलाना एक छोटी घटना नहीं है, ये हिंदू समाज को नीचा दिखाने का कृत्य है।